आइए. सो वी हैव डन सो मेनी पास्ट पेपर्स राइट. सो नाउ वी विल डू लास्ट टर्म में जो पेपर आया था दैट इज नवंबर 2019 वाला पेपर वी विल स्टार्ट राइट. नवंबर 19 में जो पेपर आया था इट वाज वेरी इजी राइट. पूरा कॉन्सेप्चुलाइज पेपर था. एंड अगर आपने पास्ट आरटीपी अगर आप करके गए होंगे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिले हैं राइट. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. वी विल ट्राई टू डू कंप्लीट इट इन 3 आवर्स. आइए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ए राइट. सबसे पहला हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का समय. सुरेखा लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4000 लीटर ऑफ पेंट्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस तो एनुअल प्रोडक्शन हो गया 16000 और 1 लीटर बनाने के लिए 2 केजी चाहिए हम लोगों को. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 1 ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल इज 40. परचेज प्राइस इज 50 पर केजी. स्टोरेज एंड इंटरेस्ट मिला के है 8% पर एनम. लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 15 डेज. ईओक्यू निकालना है, टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट निकालना है. ठीक है हाँ. आइए तो सबसे पहला ईओक्यू इज बेसिकली 2 × A × O/CH वेयर ए इज इक्वल्स टू. साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो ये 16000 प्रोडक्शन आएगा लेकिन हम लोग का एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है तो 1 बनाने के लिए 2 केजी चाहिए. सो इट इज कमिंग टू 32000 केजी. ओ इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 1 ऑर्डर एंड वो दिया हुआ है 40. सी एच इज 8% ऑफ रुपीज 50. सो दैट कम्स टू रुपीज 4 पी यू पी ए. राइट बढ़ा दीजिए फॉर्मूला में. 2 × 32000 × 40/4 राइट. सॉल्व करने से हमारा 800 केजी आएगा. ठीक है तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट था इसका. फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल सम है. ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगा आपको. सेकंड पास में मेरे को बोला है टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट. नाउ टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में आपको पता होगा परचेज प्राइस लेते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते हैं एंड कैरिंग कॉस्ट लेते हैं. तो टोटल परचेज प्राइस आप 800 करके खरीदिए, 1000 करके खरीदिए, चाहे कुछ भी करके खरीदिए, आपको खरीदना तो 32000 × 50 ही है. दैट कम्स टू 16 लाख. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट राइट इट विल बी A/Q × O. तो 32000 × 800 करने से 800 का एक तो 8000 में 10 ऑर्डर, 32000 के 40 ऑर्डर तो 40 × 400. हाँ तो 1600 आएगा. अब आ गया टोटल होल्डिंग कॉस्ट दैट इज कैरिंग कॉस्ट दैट इज Q/2 × CH. तो 800/2 का एवरेज स्टॉक होल्डिंग इज 400 × 4 रुपया पर यूनिट पर एनम.
इट इज 16 लाख. ठीक है, इज दैट फाइन? बोलिए. सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम. ये हम लोग जब हमारा जब बेसिक सम होता है ना रॉ मटेरियल चैप्टर का, उस समय हम लोग एस टाइप का सम से साथ स्टार्ट करते हैं. ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट. द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंटेड बाय द सुपरवाइजर ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ जॉब. ठीक है, एक जॉब का डाटा दिया हुआ है. मटेरियल है 120, वेजेस है 4 रुपया घंटा. 4 रुपया घंटा के हिसाब से 60 रुपया कॉस्ट, मतलब 15 घंटा, और नीचे उसका ब्रेकअप दिया है. द प्रोडक्ट पासेस थ्रू 4 डिपार्टमेंट्स, 4, 7, 2, 2, दैट कम्स टू 15 × 4, 60 हो गया. चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, हो सकता है कोई सेपरेट कोई खर्चा हो इसी जॉब से रिलेटेड, 20. तो टोटल आ गया. अभी अपने को एनालिसिस ऑफ पीएल दिया हुआ है, तो उस पीएल में टोटल सेल्स 430 दिखा रहा है, मटेरियल 2 लाख दिखा रहा है, वेजेस दिखा रहा है, स्पेशल स्टोर आइटम, तो ये चार्जेबल एक्सपेंस हो गया. स्पेशल स्टोर आइटम को चार्जेबल एक्सपेंस, राइट? ओवरहेड दिया हुआ है और सेलिंग एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है. एवरेज आवर्ली रेट सेम है, इसलिए अपने 4 से मल्टीप्लाई किए हैं. जॉब कॉस्ट शीट बनाना है. कैलकुलेट द रिवाइज कॉस्ट यूजिंग द अबव फिगर एज द बेस. ठीक है, और आपको सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करना है. बेसिकली हम लोगों को जो दिया हुआ है डाटा जॉब का, उसमें देखेंगे आप ओवरहेड नहीं है, ना ही प्रोडक्शन ओवरहेड है, ना ही सेलिंग ओवरहेड लिया हुआ है. इसीलिए वो ऊपर वाला जो जॉब कॉस्ट शीट दिया है लोग इनकम्प्लीट है, राइट? तो सर प्रोडक्शन ओवरहेड लेने के लिए तो आपको प्रोडक्शन ओवरहेड का रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा. तो 4 डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है और 4 डिपार्टमेंट का वेजेस है, तो रेस्पेक्टिव रिकवरी रेट आ जाएगा. नहीं, सिंगल ब्लैंकेट रेट यूज करने नहीं नहीं बोला आपने को. अगर बोलता तो अपने टोटल ओवरहेड बाय टोटल वेजेस कर देते, तो सिंगल ब्लैंकेट रेट हो गया. नहीं, सिंगल ब्लैंकेट तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में बोलेगा बेटा, हम लोगों को स्पेसिफिकली बोल देगा कि सिंगल ब्लैंकेट रेट यूज किया गया है. तो अपने 4 डिपार्टमेंट तो चालू का अलग अलग रिकवरी रेट आएगा बेस्ड ऑन देयर वेजेस, क्योंकि दिया हुआ है. अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल कॉस्ट पे आ जाएगा. जैसे आप देखिए 4:30 का सेल है, उसमें 130 ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मतलब अभी तक का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्क्स कॉस्ट. जब आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा. तो वर्क्स कॉस्ट है आपका 3 लाख. तो सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट आता है ना. तो अपने को सबसे पहले निकालना है इस टाइप का सम, सेम टू सेम सम हम लोग क्लास में किया है, ओवरहेड रिकवरी रेट्स. पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट वेजेस कितना है, सॉरी ओवरहेड कितना है, 12,000, वेजेस है 12,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. राइट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का भी ओवरहेड कितना है ध्यान से देखो,
6,000 और वेजेस है 8,000, दैट कम्स टू 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इज दैट फाइन? डिपार्टमेंट सी का ₹9,000 बाई 10,000, दैट कम्स टू 90% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और डिपार्टमेंट डी का 17,000 बाई 20,000, दैट कम्स टू 85% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है? तो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का अलग अलग रिकवरी रेट आ गया, सेलिंग ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन रेट है दैट इज सेलिंग ओवरहेड बाय वर्क्स कॉस्ट इनटू 100, तो 90,000 सेलिंग ओवरहेड है। कॉस्ट शीट देखिए जो पीएल दिया हुआ है, और सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरा वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा 3 लाख, और ऐसे भी अगर आप मटेरियल, लेबर, स्पेशल स्टोर और ओवरहेड जोड़ेंगे तो भी 3 लाख आएगा। बेटा 5 नंबर का सम में इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि मैं पूरा कॉस्ट शीट बनाऊं मेन वाला, फिर रिकवरी रेट निकाल के फिर जॉब कॉस्ट शीट बनाऊं, दरकार नहीं है। तो 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट आ गया हमारा, राइट? सभी को समझ में आ रहा है आपको? अब मेरे को क्या करना है, जॉब कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है ना? ये सारा रिकवरी रेट आ गया मेरा 1, 2, 3, 4, 5, अब मुझे बनाना है जॉब कॉस्ट शीट। सबसे पहले मैं लूंगा डायरेक्ट मटेरियल, कितना है 120, उसके बाद लेंगे डायरेक्ट वेजेस ए बी सी डी, 4 × 4, 7 × 4, 2 × 4, 2 × 4, 16, 28, 8, 8 आएगा 60। उसके बाद चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये आएगा मेरा प्राइम कॉस्ट 200। तो ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है सर। अब हमारा काम आगे आएगा प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड ए बी सी डी, 16 इसका वेजेस है, 100% लेना है, 28 का 75%, 8 का 90%, 8 का 85%,
राइट, तो ये आएगा मेरा वर्क्स कॉस्ट, टू फिफ्टी वन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है उसका रेस्पेक्टिव रिकवरी रेट। अब इसमें मैं प्लस करूंगा सेलिंग ओवरहेड जो कि 30% ऑफ 251 है, तो 251 का 75.3 तो ये हमारा आएगा टोटल कॉस्ट। थ्री ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थ्री प्लस प्रॉफिट, 20% ऑन सेलिंग प्राइस चाहिए तो मैं बोल सकता हूं 25% ऑन कॉस्ट, एटी वन पॉइंट फाइव एट जोड़ के बताइए। ठीक है, कितना आ रहा है 326.3 प्लस 81.58 तो आ गया 407.88। यस और नो? ठीक है, बोलो। इज दैट फाइन? पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम सम था। ठीक है, आइए वन सी, डन। फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट ए एंड बी फ्रॉम अ सिंगल प्रोसेस,
द ज्वाइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया मटेरियल लेबर ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड दोनों का सेल और सेलिंग प्राइस भी दे दिया है. बोलता है जेसी को एलोकेट करो ऑन द बेसिस ऑफ. ठीक है तो पहले फिजिकल यूनिट मेथड प्रोडक्ट ए बी फिजिकल यूनिट ऑब्टेंड. बोलिए कितना है. कंफर्मेशन दे देना. एलोकेशन ऑफ जेसी. नाउ जॉइंट कॉस्ट का जो एलोकेशन है पहले जॉइंट कॉस्ट का टोटल निकालिए. 30 प्लस 9600 39600 प्लस 12 51600 प्लस 32 83600 राइट तो ये रेशियो आएगा 5:6. तो 83600 इंटू 5/11 83600 इंटू 6/11 राइट. कैलकुलेटर करके बताइए फटाक से. 83600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11 38,000 आएगा और ये इंटू 6/11 45600. तो फिजिकल यूनिट मेथड में ये हमारा एलोकेशन हो गया. ठीक है एकदम सिंपल है. पार्ट टू बोला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड. तो इसमें जो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है 51600 का वेरिएबल जो जॉइंट कॉस्ट है वो 51600 का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड पढ़ा है ना तुम लोग. तो ये तो डिवाइड होगा फिजिकल के बेसिस पे 5/11 6/11 तो 51600 डिवाइड बाई 11 इंटू 5 23. एक काम करो एग्जाम में भी ऐसे ही करना बता रहे. रुको प्रोडक्ट ए बी वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट फिफ्टी वन सिक्स हंड्रेड. तो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट जाएगा 5:11 का बेसिस पे. तो
तो 51600 इंटू 5/11, 51600 इंटू 6/11, राइट। बताइए टू थ्री फोर फाइव फाइव, राइट। और यहां पे 51600 डिवाइड बाई 11 इंटू 6, 28 145, ठीक है। अभी जो फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट है वो कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जाता है, याद है ना, जो फिक्स वाला ज्वाइंट कॉस्ट है वो कॉन्ट्रीब्यूशन के रेशियो में डिवाइड होगा, सो उसके लिए अपने को सेल्स वैल्यू चाहिए। सौ इंटू 600 दैट कम्स टू 60,000, और 120 इंटू 200 दैट कम्स टू 24,000, राइट। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या आ रहा है, सेल्स माइनस वीसी करो, 60,000 में माइनस कर देंगे 23455, 36545, और इसमें तो नेगेटिव आएगा 4145, राइट। तो 36545 माइनस 4145, राइट। तो जो भी फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट है दैट इज 32,000, उसको इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, राइट। नाउ प्रैक्टिकली व्हाट वी विल डू रियल लाइफ में, क्योंकि प्रोडक्ट बी का ऐसे ही नेगेटिव है, तो हिसाब से तो मेरा, मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एब्सर्ड हो गया ना, ये सिचुएशन ही एब्सर्ड हो गया, दिस सिचुएशन इज कंप्लीटली एब्सर्ड। कभी आप लोग देखें पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो, नहीं ना। तो पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट विल बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए, क्योंकि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बी इज नेगेटिव, फोर इज टू माइनस वन मैंने तो भैया कभी नहीं किया, राइट। तो अपने क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है बोल के पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट विल बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए, राइट। तो ये एलोकेशन हो गया,
तो टोटल जॉइंट कॉस्ट ए का बी का 23455 प्लस 32,000 55455 और इसका 28145 प्लस 0 दैट इज 28145 जोड़ेंगे तो 83600 आ जाएगा। राइट ठीक है पार्ट थ्री प्रॉफिट स्टेटमेंट राइट दोनों मेथड में बोला है तो पहले अंडर फिजिकल यूनिट मेथड करते हैं अपने सेल्स वैल्यू 60,000 24,000 लेस जेसी 38,000 45,600 प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें आ रहा है 22,000 इसमें आ रहा है 21,600 का लॉस। वापस से हम लोगों को बनाना है ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग आ गया है इसका तो हम लोग फिक्स कॉस्ट इसमें एलोकेट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी लॉस में है 55455 राइट तो इसका 4145 लॉस इसका 4545 प्रॉफिट Is that fine? इंस्टीट्यूट का अभी तक सजेस्टेड आंसर आया नहीं है इस पे। ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है ना तो इसमें खर्चा एलोकेट करके क्या करेंगे ये मेरी अपनी राय है बाकी इंस्टीट्यूट क्या करता है वो हमें भी नहीं पता। लॉजिकल तो ये करेक्ट है। कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड में बेटा कैलकुलेशन में ही नेगेटिव आ जाता है। उसका प्रोसेस ही वैसा है कि बैलेंसिंग फिगर को जेसी लिया जाता है वो तो उस मेथड का ड्रॉबैक है बट जिसमें अपने को पता है हाउ कैन यू एलोकेट रुको बताइए ना गेटिंग माई पॉइंट तो उसलिए नहीं करेंगे एनीवेज
तो ये हो गया, बहुत सिंपल था। हो सकता है प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, वट एवर इट, देर माइट बी सो मेनी केसेस। राइट, नेक्स्ट वी हैव आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1D। काफी इसी समय हम लोग इस स्टेप का सम किया है। आ जाइए, वॉल्यूम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट, तो वॉल्यूम 4000 है तो एवरेज कॉस्ट है 3.75, वॉल्यूम 5000 है तो एवरेज कॉस्ट है 3.50। इज दैट फाइन? सो दिस कम्स टू 15,000, मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम इनटू एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ये आएगा 17,500। नाउ अपने को पता है इसमें फिक्स भी है प्लस वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी है प्लस वेरिएबल भी है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है। अगर टोटल सेम होता तो फिक्स कॉस्ट होता, एवरेज सेम होता तो वेरिएबल होता, इसका मतलब सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल में जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो हम लोग कैसे निकालते हैं? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है? सो दैट कम्स टू 17,500 माइनस 15,000 बाई 2,500 डिवाइडेड बाई 1,000, तो कोई भी एक ले लेंगे अपने, कोई भी एक, ये पार्ट वन का आंसर हो गया 15,000 माइनस 4,000 इंटू 2,500, तो 5,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट आएगा। राइट, नाउ पीवी रेशियो के लिए हम लोगों को, ये तो सिंपल है, एनालिसिस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का इनिशियल फर्स्ट टू क्लासेस में कवर अप हो गया, बिहेवियर वाइज एनालिसिस। नाउ अपने को बोला है पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो के लिए अपने को सेलिंग प्राइस चाहिए, तब जाके हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो ध्यान से देखो, 6,000 में ब्रेक इवन है, मतलब 6,000 में प्रॉफिट पार्ट इज जीरो,
है ना? तो पहले अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। तो अपने क्या करेंगे, लेट सेलिंग प्राइस बी एक्स, तो 6000 एक्स माइनस 6000 इंटू ढाई माइनस 5000 फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इज जीरो। मतलब 6000 पे प्रॉफिट जीरो होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, उस कंट्रीब्यूशन से अपने फिक्स कॉस्ट हटा देंगे। यस और नो? तो 6000 एक्स इक्वल्स टू 20000 बाई 6000 3.33 ना। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 2.50, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है 0.83, तो पीवी रेशियो आएगा 0.83 बाय 3.33 इनटू 100। राइट हिसाब से 25% अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि अपने 3.3333 लेंगे तो पूरा एग्जैक्ट आएगा। 8.33333 ले लो डिवाइडेड बाई 3.33333 लो, तो वी विल मूव टूवर्ड्स एग्जैक्ट। तो उसमें ये वाला पार्ट हमारा मेन था, 3.33 वाला। वंस वी गेट दिस हमारा काम एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है,
इज दैट फाइन? आइए, सो नेक्स्ट वी हैव, तो हम लोग का ये हो गया राइट. आइए, टू ए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का समय, राइट. पीक्यूआर डिसाइडेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज फाइव न्यू कस्टमर. उस सॉफ्ट ड्रिंक खरीदता है 45 पर केस में और बेच देता है रिटेल कस्टमर को एटलीस्ट प्राइस 54 पर केस. उसके चार पांच कस्टमर का डिटेल दिया हुआ है, पांच कस्टमर का डिटेल. राइट. ठीक है, नाउ तो ध्यान देने वाला बात यह है कितना केसेस, कितना यूनिट हमने सारे कस्टमर को बेचा है वो डिटेल दिया हुआ है. लिस्ट प्राइस मतलब ये हमारा प्रोडक्ट पे ये दाम प्रिंटेड है. राइट. नाउ एक्चुअल में मैं उनको डायरेक्ट कस्टमर को पूरा एमआरपी पे बेचता हूं, बी को 60 पैसे का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, सी को क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम में काम कर रहा है इसलिए मैं उसको 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, और डी को मैं 3 रुपए 80 पैसे का डिस्काउंट दे रहा हूं, और ई को सी से भी ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूं. राइट. अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा, ए 9360 का पूरा साल में खरीदता है और मेरे से 30 ऑर्डर करवाता है. वो 30 बार में खरीदता है ये टोटल क्वांटिटी. वो बी 50 बार में, सी 60 बार में, डी 50 बार में, ई 60 बार में. राइट. मेरे दुकान में आता है तो चाय पानी नाश्ता का खर्चा होता है 4 बार 6 बार 12 बार 4 बार 6 बार. अच्छा, नंबर ऑफ डिलीवरीज 20 60 120 80 40. नाउ परचेज ऑर्डर और डिलीवरी दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? परचेज ऑर्डर हो गया मैं ये माल किसी से खरीद के रिटेलर को बेचता हूं ना, तो मैं इस माल को पूरा करने के लिए मैं 30 बार ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं और इसको मैं डिलीवरी कर रहा हूं 20 टाइम्स. समझ में आ रहा मेरा बात? एक होता है मैं जब परचेस करता हूं तो मैं पीओ परचेस ऑर्डर वो मैंने किया है 30 टाइम्स इस पर्टिकुलर कस्टमर का फुलफिल करने के लिए. मैं जब उसको डिस्पैच कर रहा हूं तो वो 20 टाइम्स में डिस्पैच हुआ ये टोटल.
कस्टमर ए का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, 12, 10, 20, 60, ठीक है। एक्सपीडिएट डिलीवरी मतलब स्पीडी डिलीवरी, खाली ई को करते हैं अपने, ये फैसिलिटी खाली ई को दिया गया है। राइट, पांच एक्टिविटी है, उसका कॉस्ट पर ड्राइवर दे दिया है। तो अपने को कॉस्ट पर ड्राइवर निकालने का दिक्कत नहीं करना है। करंट ऑपरेटिंग, करंट लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ फाइव कस्टमर्स, बाय यूजिंग द कॉस्ट ड्राइवर रेट्स, और डी का कंपैरिजन सी से करना है एंड ई का ए से करना है। ठीक है, कर लेंगे। वो तो बताना है कि कौन सा कस्टमर का प्रॉफिट ज्यादा है कम है, उसका रीजन बता देंगे कि भैया ये ज्यादा डिलीवरी मांग रहा है, इसका डिस्टेंस इस तरीके से। राइट, तो अपने क्या करेंगे, अपने को कॉस्ट पर ड्राइवर निकालना नहीं है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, सेल्स। पहले सबसे पहले आउटपुट लिख लो, नंबर वन में आउटपुट। राइट, किसका कितना यूनिट है पहले वो लिखो, 9360, 14200, 62000, 38000, 9800, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है, 53.40, 49, 50.20, 48.6, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट विल बी 2 माइनस 45, क्योंकि कॉस्ट पर केस इज 45, डायरेक्टली माइनस कर दो 45, क्योंकि 45 कॉमन है, लिखने का दरकार नहीं है। तो इसमें 9 रुपया का आमदनी होगा, इसमें 8 रुपया 40 पैसे का, इसमें 4 रुपये का, घर पे क्यों
चाबी रखें यहाँ पे। तो अगर यूनिट वाइज देखा जाएगा तो कस्टमर एक को अच्छा से मुर्गा बना रहे हैं हम लोग। राइट अभी जैसे ये शाम है, इसने मेरे को बोला सर हम लोग 5 जन हैं, आप डिस्काउंट देंगे क्या? हम लोग डिस्काउंट नहीं होता बेटा, हम लोग वैसे हम लोग अपने कस्टमर्स के बीच में ऐसा व्यवहार नहीं करते, जो है सो है। अच्छा लगता है आइए, नहीं अच्छा लगता है कहीं और जाइए। आइए नंबर 4, ग्रॉस प्रॉफिट दैट विल बी 1 × 2। पानी का बॉटल भर देना, तो सॉरी 1 × 3। राइट आ जाइए 9360 × 9 84,240, 14,200 × 8.4 119,280, 62,000 × 4 248,000, 38,000 × 3 5.2, 9,800। पानी का बॉटल भर दे, पानी का बॉटल ला के। (9,800 × 3.6) 35,280। राइट अब मैं निकालूंगा नंबर 5, ओवरहेड कॉस्ट। राइट तो सिंपल है, कॉस्ट पर ड्राइवर दिया है तो ऑर्डर टेकिंग से रिलेटेड कॉस्ट पर ड्राइवर 200 है, 30 ऑर्डर। राइट हंड्रेड पर ऑर्डर, तो 30 ऑर्डर है 6,000, 50 ऑर्डर है 10,000, 60 ऑर्डर है 12,000, 50 ऑर्डर है 10,000, 60 ऑर्डर है 12,000। सिंपल है, देन कस्टमर विजिट एट द रेट ₹300 ईच विजिट, राइट
तो इसका चार विजिट है, 1200, 6 विजिट है 1800, 12 विजिट है 3600, 4 विजिट है 1200, 6 विजिट है 1800, राइट। इज दैट फाइन? डिलीवरीज, नाउ डिलीवरीज है 4 रुपया पर किलोमीटर ट्रेवल्ड, और नंबर ऑफ डिलीवरी और किलोमीटर ट्रेवल्ड सबका निकालना पड़ेगा। एट द रेट 4 पर किलोमीटर, तो 20 डिलीवरी है 40 पर डिलीवरी, तो 800 किलोमीटर ट्रैवलिंग हो गया ना। नंबर ऑफ डिलीवरी 20 है, किलोमीटर 40 पर डिलीवरी एक डिलीवरी का, तो 800 किलोमीटर टोटल हो गया, तो 3200। इसमें है 16 to 12, 720, तो 2880। इसका है 1200, तो 4800, 120 into 10। इसका है 80 into 20, 1600, तो 6400, 40 into 60 होगा 2400, 2400 का इंटू फोर करो, 2400 into 4, 9600। सबका किलोमीटर ट्रेवल्ड आ गया, नंबर ऑफ डिलीवरी इंटू डिस्टेंस पर डिलीवरी। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा प्रोडक्ट हैंडलिंग एट द रेट 2 पर यूनिट है ये, तो 9360 into 2, 18720, 14200, तो 28400, ये आएगा 1 लाख कितना, 24000, हाँ 1 लाख 24000, 38000 इंटू टू 76, 19600, 19600, राइट। एक्सपीडिएट डिलीवरी है 100 ईच डिलीवरी, राइट। इसमें है नहीं, खाली लास्ट वाला केस में आएगा। कितना है, दो ही खाली इमरजेंसी डिलीवरी हुआ है, 100। राइट, टोटल कर लीजिए,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 4 माइनस 5, राइट? ट्वेंटी नाइन वन ट्वेंटी, फोर्टी थ्री थाउजेंड एट्टी, ऐसा साथ साथ वो भी निकाल लो, ठीक रहेगा। सेवेंटी सिक्स टू हंड्रेड का प्रॉफिट है, वन फोर्टी फोर फोर हंड्रेड, वन जीरो थ्री सिक्स डबल जीरो, नाइन्टी थ्री सिक्स हंड्रेड, तो यह आएगा 1,04,000। राइट इज दैट फाइन? तो फाइनल आंसर मेरा आ गया, राइट? इज दैट फाइन? अभी अपने को सी के साथ डी का कंपैरिजन बोला है। पहला बात, डी को हम लोग कम वॉल्यूम बेच रहे हैं तो भी डी में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, राइट? यस और नो? तो डी का प्रॉफिट बेटर क्यों है? क्योंकि डी को कम डिस्काउंट दे रहे हैं, पहला बात तो। यस और नो? तो वहां एक मेजर फर्क पड़ रहा है। राइट? ऑलमोस्ट सोचो ना कितना है, ई का है आपका, डी का है 38,000, मतलब वी आर नॉट इवन ऑलमोस्ट, कितना होगा 38/62 करो, डी
डी का वॉल्यूम इज जस्ट 61% ऑफ सी, बट फिर भी डी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, इज बिकॉज ऑफ दिस डिस्काउंट मैटर. यस, बाकी अगर आप देखेंगे तो डी का ज्यादा ही लग रहा है एज कंपेयर टू सी ओवर हेड कॉस्ट. ये तो चलो यूनिट सोल्ड पे वेरी कर रहा है प्रोडक्ट हैंडलिंग. डिलीवरी देखो, आज इसका 38,000 का डिलीवरी कॉस्ट है या 400, इसका 62,000 का डिलीवरी कॉस्ट. तो इन दैट कंपैरिजन इफ यू सी, यस यस यस, तो कमेंटिंग में खाली यही लिखेंगे दैट डीज प्रॉफिट इज हायर इंस्टेड हैविंग जस्ट 61% वॉल्यूम एज कंपेयर्ड टू सी. और किसका कंपैरिजन बोला, ई का इन कंपैरिजन विद ए डिस्पाइट हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूज इक्वल क्वांटिटी, दोनों का देखो ऑलमोस्ट सेम है, बट इसको अपने ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए इसका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज लो. तो विच इज क्रिएटिंग एन हार्म, इसलिए इसका ओवरऑल रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहा है. देखिए इसका ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट भी डबल हो गया, सिंपल. डिलीवरी भी ऑलमोस्ट 3 गुना लग रहा है, इसको एक्सपीडिएट डिलीवरी भी चाहिए. तो इसमें 4 चीज हो गया, एक हो गया इसको डिस्काउंट ज्यादा दे रहे, सेकंड ऑर्डर टेकिंग परचेस ऑर्डर इसका इसके इसका ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमको सप्लायर से खरीदना पड़ रहा है उसमें मेरा ज्यादा आ रहा है, डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, एक्सपीडिएट डिलीवरी कॉस्ट भी आ रहा है. तो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, राइट. यूजुअली आपके इंटरमीडिएट लेवल में दे नेवर टेस्ट दिस कमेंटिंग वाला पार्ट. बोला है ठीक है लिख देंगे, नॉर्मल कमेंटिंग तो हम लोगों को आता ही है करना. Is that fine?